नमस्कार साथियों, आज 13 दिसंबर 2023 है। ठीक 22 वर्ष पहले भारतीय संसद पर हमला हुआ था और आज के दिन जो विजिटर गैलरी होती है संसद में, उसमें से दो युवक आकर लोकसभा सदन में कूदते हैं और वहां पर पीले रंग की गैस छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी आज 22 सालों बाद सुरक्षा में चूक मानी जा रही है। तो हम चर्चा करेंगे आज कि जो 22 साल पहले इसी दिन 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस समय संसद में 200 से ज़्यादा सांसद और मंत्री मौजूद थे। जिस टाइम हमला हुआ था 2001 में, 13 दिसंबर 2001 को, उस टाइम 200 से ज़्यादा सांसद और मंत्री मौजूद थे। 5 आतंकी घुसे थे, 500 आतंकियों को मार दिया गया। 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के मेंबर अफजल गुरु को गिरफ्तार किया। इस हमले के जो मुख्य आरोपी थे, उसके साथ SAR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को भी पकड़ा। हमला लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोग शहीद हो गए थे। बात इसलिए कर रहे हैं इस मुद्दे की क्योंकि आज संसद में एक और सुरक्षा चूक हुई है। दो लोग विजिटर गैलरी से लोकसभा सदन में पहुंचे, वहां पर पीली गैस छोड़ते हैं। जो 22 सालों का जो 22 साल बाद है, ये एक इतिहास वापस दोहराने जा रहे थे आतंकवादी। हम अभी नहीं कह सकते हैं कि वो किस इरादे से आए हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति, संसद में जाकर गैस छोड़ता है तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक मानी जाती है। और जो इस संसद हमले 2001 में जो मुख्य आरोपी था, उसको 12 साल बाद में 2013 में, मतलब 2013 में अफजल गुरु, जो मास्टरमाइंड था इस हमले का, जिसके कहने पर 5 आतंकवादी संसद पर हमला किया, उसको 2013 में फांसी दी गई थी, जो कि तिहाड़ जेल में दी गई थी। धन्यवाद। और हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े अच्छी अच्छी खबरें जानने के लिए।